और अब देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं भारतवर्ष टॉप 9। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार आज यूपी के प्रयागराज में लगेगा। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मेजा के कुंवर पट्टी गांव में 5 दिवसीय माँ शीतला कृपा महोत्सव चल रहा है। आज बागेश्वर बाबा का सत्संग और दरबार कार्यक्रम है। शीतला महोत्सव में बाबा बागेश्वर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बालाजी का दरबार लगाएंगे। इसके बाद वे गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बाबा बागेश्वर वहां से सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। नेपाल से आई शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। आज सुबह 10:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इनका भव्य पूजन होगा। नेपाल की गंडक नदी से आई इन शिलाओं में से एक से भगवान श्री राम और दूसरे से माता जानकी की प्रतिमा बनेगी। संत श्री रामानुजाचार्य की यादों में बनाई गई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के एक साल पूरा होने पर समता कुंभ का आयोजन किया गया है। श्री 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 त्रितंडी चिन्नाजी स्वामी ने कहा कि 14 फरवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। दिल्ली में कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा समेत 3 राज्यों में इसी महीने चुनाव होने हैं। दिल्ली में 6 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता को मंजूरी दे दी है। नगर निगम में हंगामा की वजह से 2 बार मेयर चुनाव टल चुका है। इस दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए का अपना FPO रद्द कर दिया है और निवेशकों को पैसा लौटाने की बात कही है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि शेयर मार्केट में हलचल और बाजार में उठा पलट को देखते हुए निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कल बर्फीले तूफान की चपेट में आने से पोलैंड के 2 पर्यटकों की मौत हो गई। 19 विदेशियों को बचा लिया गया है। सभी विदेशी पर्यटक स्कीइंग कर रहे थे। इस दौरान बर्फ के करीब 20 फीट मोटी चादर ढह गई और सभी लोग उसके नीचे दब गए थे। भारत ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में 168 रनों की करारी शिकस्त देते हुए सीरीज में 2-1 की जीत हासिल कर ली है। ये T20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। शुभमन गिल ने तूफानी पारी खेलते हुए महज 63 गेंदों में नाबाद 126 रन बनाए।